कांचिप जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी स्टेट कोऑर्डिनेटर यूथ विंग की तरफ से और मेरे साथ कुछ साथी हमारे सुहेल खजूरिया जी, हमारे प्रोविजनल सेक्रेटरी और हमारे अपने स्टूडेंट विंग के मानिक जी और हमारे जोनी जी अपने मीरा साहब के हमारे अपनी पार्टी के नौजवान युवा, आज हम लोग जो है इस प्रेस वार्ता में आपके सामने एक चीज एक आगे जाहिर करना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो कि 2 साल के अंदर एक उभर के पूरी जम्मू कश्मीर में बाहर आई है, जिसके चलते उसका मैनिफेस्टो आपके चैनल के माध्यम से आज मैं अपनी पूरी आरसपुरा की आवाम को या बॉर्डर एरिया के लोगों को वो बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का जो मैनिफेस्टो सबसे पहले हमारे बेरोजगार युवा नौजवानों के साथ जो अत्याचार काफी सालों से हो रहा है उसके चलते हमारे जनाब अल्ताफ बुखारी साहब ने जो हमारे पार्टी प्रेसिडेंट हैं उन्होंने काफी देर से ट्वीट करके और काफी देर से जो है मैसेज करके यूथ के लिए काफी आवाज उठाई है, यूथ के लिए काफी जो है आपकी जो रिक्रूटमेंट है उसको निकालने की कोशिश की है और जो रिक्रूटमेंट अनफिल है उनको फिल करने के लिए जो है वो हमेशा आवाज उठाई है और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी बॉर्डर एरिया के लोगों की सुविधाओं के लिए, चाहे यहाँ के जो माताएं बुजुर्ग है उनकी पेंशन के लिए या हैंडीकैप पेंशन के लिए वो भी बढ़ाने की बात की है और हमारी बिजली की जो प्रॉब्लम और समस्या है उस चीज को लेके अल्ताफ बुखारी साहब ने यह ऐलान किया है कि 300 से 400 यूनिट जो है वो जम्मू कश्मीर को फ्री मुहैया करवाई जाएगी, जबकि हमारी सरकार जिस दिन भी यहां पे फुल फ्लैश सरकार बनाएंगे उसके बाद ही तुरंत जो 2 महीने के अंदर अंदर जो है हम आपको 300 से 400 यूनिट जो है वो बिजली फ्री करेंगे और हमारे डेली वेजर्स जो डेली वेजर्स हैं हमारे चाहे पीएचई के हों, पीडीडी के हों, हमारे पीडब्ल्यूडी के हों और भी एसपीयू जैसे हों उनको हम जो है सरकार बनते ही हम उनको 60 दिन के अंदर अंदर जो है उनको परमानेंट करेंगे और उनकी जो घर की जो सिस्टम मतलब कि हालत खराब है उसको परमानेंट करवा के उनको खुशहाली के रूप में जो है वो लाएंगे और हमारे कुछ एरिया जो है जो अनडेवलप है जिनके रोड की समस्या, नहरों की समस्या, नालों की समस्या, हमारे यहाँ के पूरे जो हमारे रूरल एरिया है उसको डेवलप करने में जो है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है वो आगे बढ़कर आएगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज और बोलना चाहूंगा कि लोग कुछ ऐसे लोग हैं जो बीच में टिप्पणियां करते हैं कि शायद ये जुमले हैं झूठे हैं, अगर आप लोगों की सुविधाएं के लिए आगे बढ़कर नहीं आना तो यहां बैठ के अपने घर बैठ के जो है वो टिप्पणियां ना करें, जिनको काम करना है उनको काम करने दें और अपनी जो एक नेगेटिविटी जो सुझाव है वो मत दें। दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूं कि जैसे आपकी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने एक बहुत बड़ी चीज जो है चेंजिंग हमारे जम्मू कश्मीर में लाई है वो है युवाओं की एज रिलैक्सेशन, जो कि रिक्रूटमेंट के लिए हमारे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जो स्टेट अध्यक्ष है हमारे जनाब अल्ताफ बुखारी साहब उन्होंने जो है एज रिलैक्सेशन कर रहे हैं, कांग्रेस के जो लोग हैं वो बाहर के राज करने कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी के अपनी पार्टी के अंदर कोई एक बंदा बता दे जो बाहर का है और यहाँ के लोगों को जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को आप साथ दें और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो अच्छे सुनहरे सवेरे की जो है वो आपको दिखाएगी और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हो चाहे बुजुर्ग हो चाहे एरिया हो चाहे अनडेवलपमेंट की तरफ हो।